हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40x50। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट प्लॉट की लंबाई है। नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो हमारे पास है 40 फीट। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 50 फीट। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 40x50 हमारे पास प्लॉट का एरिया हो गया और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। जो हमारा प्लॉट है वो एक ही तरफ खुल रहा है और वो है उत्तर दिशा, बाकी तीनों साइड से पैक है। तो चलिए दोस्तों इसकी उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है 11 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट ऐसे और 16 फीट 9 इंच ऐसे। 12 फीट चौड़े के अंदर है और 16 फीट 9 इंच लंबाई के अंदर है। यहाँ पर आपकी कार वगैरह पार्क हो जाएगी। फिर मेन गेट के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 फीट के अंदर सामने फ्रंट के अंदर बालकोनी छोड़ रखी है और फिर यहाँ पर हमने स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही 2 स्टेप आप करते हो तो आप पहुँचते हो आउटर सेटिंग के अंदर, और आउटर सेटिंग के जैसे सामने हमारे पास घर का मेन डोर है। इससे पहले यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाज़ा। इस दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो सामने बालकोनी के अंदर निकली और एक 4 फीट की विंडो भी हमने इधर पूर्व दिशा के अंदर भी बालकोनी छोड़ रखी है 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर, जो कि हमारी इस ड्राइंग रूम की दीवार तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके अंदर इस ड्राइंग रूम की एक 4 फीट की विंडो निकल रही है और इसी ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा 3.5 फीट का घर के अंदर खुल रहा है, डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम के इस तरफ चलते हैं वापस। तो ये हमारा आउटर सेटिंग हो गया। यहाँ पर हमारा आ रहा घर का मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारा एंट्री पाथ बना हुआ है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 फीट, 5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। यहाँ पर आपका एंट्री है, यहाँ पर आप अपनी अच्छी तरह से टाइल वगैरह लगा के थोड़ा सा अच्छा दिखा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आर्च बना हुआ है, यहाँ पर कोई दरवाजा वगैरह नहीं है। यहाँ से आप एंटर होते हो तो डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट ऐसे और 14 फीट ऐसे। 12x14 का हमारे पास लिविंग और डाइनिंग एरिया। और एंट्री पाथ के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3 फीट का दरवाजा और ये हमारा पूजा रूम हमारा, जिसके हमारे पास साइज है 4 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। 4x7 का हमारे पास पूजा रूम है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने आउटर सेटिंग के अंदर बन रहा है। अब आप इस पूजा रूम और एंट्री लेवल को अगर मान लो कि आपकी मकान की हाइट 11 फीट आप ले रहे हो, तो आप इसकी हाइट 7.5 फीट के आसपास आप ले सकते हो और इसके ऊपर आप पूजा रूम और एंट्री के पाथ के ऊपर आप स्टोर रूम बना सकते हो। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वापस यहाँ पर। ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11x12। 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम गया, जिसकी 3.5 फीट की विंडो इधर जो हमने साइड के अंदर जो पूर्व दिशा के अंदर जो बालकोनी छोड़ रखी है उसके अंदर यहाँ पर इसकी 3.5 फीट की विंडो निकल रही है। बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11x12। 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकली है। पीछे दक्षिण दिशा के अंदर हमने 6.3x/32.5 फीट की यहाँ पर ये पूरी बालकोनी छोड़ रखी है, जिसके अंदर इस किचन की 4 फीट की विंडो निकल रही है। और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए किचन से हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है। आप इसको वॉश एरिया या किसी आप किचन के या यूटिलिटी के लिए किसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर काम के इसको बालकोनी को काम में ले सकते हो, ठीक है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और स्टेयर केस का हमारे पास लैंडिंग होगा वो है 3.5x7 फीट। 3.5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे हमारा स्टेयर केस का लैंडिंग हो गया। अब चलते हैं वापस स्टेयर केस वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 6.3x/7 फीट। 6.3 इंच ऐसे और 7 फीट ऐसे हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम पीछे बालकोनी के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट्स वापस बाहर आते तो आप इस दीवार पर अपना सिंक वगैरह लगा सकते हो हाथ वगैरह धोने के लिए। अब सिंक वगैरह के जैसे सामने यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12x12। 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 6 फीट ऐसे और 5 फीट 10.5 इंच ऐसे। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन सेम इस बालकोनी के अंदर निकल रहा है और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो भी सेम पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12x12। 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम हो गया, इसकी 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास मेन गेट आ रहा है, ये हमारा हुआ है पार्किंग। यहाँ पर ही हमारी सामने 4 फीट चौड़ाई के अंदर और यहाँ पर 3.5 फीट इस ड्राइंग रूम तक यहाँ पर हमने बालकोनी छोड़ रखी, ये हमारा आउटर सेटिंग हो गया। फिर यहाँ पर ये बेडरूम, ये हमारा एंट्री पाथ, ये घर का मुख्य दरवाजा मेन डोर, इसके जस्ट पास में यहाँ पे पूजा रूम
और फिर ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये किचन, किचन के पास में यहाँ पे स्टेयरकेस, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, ये बेडरूम, इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट, और यहाँ पे ये पीछे बालकोनी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों मैंने टोटल एक ड्राॅइंग रूम है और तीन बेडरूम है, एक किचन है, पूजा रूम है, एक बेडरूम का अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है और पार्किंग वगैरह इसके अंदर मैंने डिजाइन किया। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।